तो वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, और आपका जो पहला बेसिक चैप्टर था यहाँ पर बॉटनी में, दैट वाज द लिविंग वर्ल्ड, वेयर वी टॉक्ड एवरीथिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी. हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, हमने जितने भी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज नोन है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि उनको डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह से प्लेस किया जाता है. ठीक है, ऑल दोज वर द थिंग्स जो हमने सीख ली है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट वॉज द लिविंग वर्ल्ड. आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और वो जो चैप्टर होने वाला है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपने जो पहला चैप्टर सीखा वहाँ आपने ये तरीका सीखा है कि हमें ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करना होता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट किंगडम्स के अंदर. तो आज का जो चैप्टर होगा ये आपको ये सिखाएगा कि जब आप प्रिमिटिव चीजों पे जाएंगे या प्रिमिटिव स्टडीज पे जाएंगे तो व्हाट ऑल वर द एस्पेक्ट्स, व्हाट ऑल वर द कैरेक्टर्स जिनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस किया था. ठीक है, अब ऑब्वियसली वो हमने नहीं किया था, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटीज की बात होगी जो कि बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट होंगे जिनकी यहाँ पे हमें बात करनी है. फाइन, तो चलिए देखते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द हिस्टोरिकल पार्ट. तो देखो, अब यहाँ पे हमने तो स्टार्ट किया है फ्रॉम एरिस्टोटल, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको एज अ शॉर्ट स्टोरी कुछ चीजें बताने वाली हूँ. तो यहाँ पे जब आप देखोगे बच्चों, तो एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने ऑर्गेनिजम्स को जानना और पहचानना शुरू किया, तो ऐसा मन में आया कुछ लोगों के कि क्यों ना हम इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दें, ताकि जब भी इनकी बात हो तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाए कि इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करेंगे, या जो भी इनका हैबिट है. ठीक है, ये सारी चीजों का एनालिसिस मच मोर इजियर हो जाएगा अगर ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया तो. फाइन, तो क्या हुआ कि सबसे पहले जिसने भी इनिशिएटिव लिया उनको इतना नॉलेज नहीं था कि हमें इतने सारे फीचर्स देखने पड़ेंगे और फिर हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा. इतना नॉलेज प्रिमिटिव जमाने में, या आप बोल सकते हो कि पुराने जमाने में लोगों के पास नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे टुक अ बेसिस, और वो जो बेसिस था वो ये था कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे सामने रखा है हम ये देखेंगे कि ये हमारे कौन से काम आता है. ठीक है, तो देवर लाइक कि चलो यूज देखते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और फिर उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस कर देंगे. ओके, तो उन्होंने ये करना शुरू किया. तो अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म का यूज देखा जाने लगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे काम आ रहा है. तब उन्होंने क्या देखा कि हाँ भाई, सपोज हमारे सामने एक पेड़ है या ट्री है, ये हमारे किस तरह से काम आएगा. तो व्हाट दे डिड कि इसका जो बार्क है या इसकी जो लकड़ियां हैं वो हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग वेपन्स, वो हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर, वो हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग व्हील. तो ये पार्ट हमारे काम आ रहा है. ठीक है, फिर उन्होंने एनिमल्स में देखा, तो एनिमल्स में कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जो कि फर्नीचर मेकिंग के काम आ सके, व्हील मेकिंग के काम आ सके, या वेपन मेकिंग के काम आ सके. तो वो इस तरह से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म का यूज जज करते थे, जबकि आपको और हमको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि सिर्फ यूज के बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव जो कि लोगों ने लिया कि क्यों ना हम इस तरह से यहाँ पे चीजों को क्लासिफाई करें. लेकिन उनका ये जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज वेरी रॉन्ग, क्योंकि इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते हैं. व्हाट दे डिड नेक्स्ट वाज कि इन्हीं में से
एक पर्सन थे जिनका नाम था एरिस्टोटल. ही सेड क्यों ना इन सारे ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट लेकर क्लासिफाई किया जाए, क्यों ना इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको मैं थोड़ा साइंटिफिक पाथवे में लेकर जाऊं, क्योंकि ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं होंगे तो वो सारे बायोलॉजिकल ही. तो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये काम शुरू किया कि क्यों ना ऑर्गेनिजम्स को मैं प्लेस करूं डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल फीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पे एरिस्टोटल की एफर्ट देख लेते हैं कि व्हाट ही डिड. एरिस्टोटल के बारे में आप लोग और क्या जानते हैं? व्हाट डू यू ऑल नो अबाउट एरिस्टोटल? एरिस्टोटल का नाम यहाँ पे आया है तो मैं आपसे जरूर एक्सपेक्ट करूंगी ये चीज कि यहाँ पे आप एरिस्टोटल के बारे में एक बात जरूर जानते होंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इनके बारे में, और जब भी आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको ये याद होना ही चाहिए. तो व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज दैट थिंग, चलिए मैं आपको बता देती हूँ. व्हेन वी टॉक ऑफ एरिस्टोटल तो तुरंत हमारे दिमाग में जो बात आती है वो ये होती है कि एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी. अब बायोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें आपका बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों ही इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है. तो एरिस्टोटल मेड फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन अ साइंटिफिक बेसिस. तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने प्लांट्स की बात की तो इन्होंने बोला कि प्लांट्स को हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन सी डिफरेंट वेराइटीज हैं जिससे कि उनका डिफरेंट ग्रुप बन सकता है. तो इन्होंने देखा कि सम ऑफ द प्लांट्स आर क्वाइट शॉर्ट इन हाइट, ड्वार्फ है वो, उनका जो स्टेम है वो काफी टेंडर है. ओके, यहां मैं आपके लिए लिख देती हूँ कैरेक्टर. ही सॉ दैट सम ऑफ द प्लांट्स हैव शॉर्ट हाइट, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ड्वार्फ वेराइटी है, उनका हाइट थ्रू आउट द लाइफ ऐसा ही रहता है. देन ही सॉ कि इनका जो स्टेम है दैट इज टेंडर, टेंडर स्टेम है, और इसमें ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके लीव्स में या उन प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फ्रेग्रेंस है या अरोमा है. तो इस तरह के जो भी प्लांट वेराइटीज इनको दिखाई दिए, इन्होंने इनको क्या कह दिया, इन्होंने इनको कह दिया हर्ब्स. ओके, इन्होंने इनको क्या नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया गया कि दीज ऑल प्लांट्स विल बी कैटेगराइज्ड अंडर हर्ब्स. फिर आई इनके पास दूसरी कैटेगरी. जब दूसरी कैटेगरी की बात की गई तो दैट वॉज मीडियम हाइटेड प्लांट्स. ओके, ये जो कैरेक्टर अभी आपके सामने लिखे गए ये हर्ब्स के लिए हैं. अब दूसरी कैरेक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे. तो जब हम यहाँ दूसरे कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो ही सॉ दैट सम ऑफ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर मॉडरेट हाइटेड या मीडियम हाइटेड. ठीक है, और इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट शॉर्ट, वो छोटे नहीं है. उसके बाद इन्होंने क्या बोला, उसके बाद इन्होंने बोला कि और इनके अंदर क्या कैरेक्टर है. तो इन्होंने बोला कि हाँ, इनका जो स्टेम है दैट इज रिजिड. ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, टेंडर नहीं है. तीसरा कैरेक्टर, इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं जो कि श्रब्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं समटाइम्स दे बिकम बुशी, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो एक डेफिनाइट लेंथ तक ही बढ़ पाती है या बढ़ सकती है. ओके, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स क्या हुआ कि इन्होंने इस पर्टिकुलर कैटेगरी को नाम दे दिया कि दीज विल बी कॉल्ड एज श्रब्स. ठीक है, इस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स का नाम उन्होंने क्या रख दिया,
इसका नाम उन्होंने रख दिया श्रब्स। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि व्हाट अबाउट द प्लांट्स जो कि इतने बड़े हैं साइज में कि उनकी हाइट तो हमसे भी ज्यादा है, उनकी हाइट बिल्कुल स्काई टचिंग हो जाती है, व्हाट अबाउट दोज वंस। तो उनके भी कैरेक्टर इन्होंने देखे, और जब उनके कैरेक्टर्स देखे गए तो व्हाट दे फाउंड वर कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका स्टेम, इनका हाइट का पहले बात कर लेते हैं, तो हाइट इज क्वाइट लॉन्ग, या फिर आप बोल सकते हैं कि दीज विल बी टॉल। ओके, दूसरा कैरेक्टर इन्होंने देखा कि इनका जो स्टेम है दैट टर्न्स वुडी, वुड में चेंज हो जाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे देखा। देन उसके बाद इन्होंने देखा कि और क्या फीचर है इनका, तो इनका फीचर इन्हें ये दिखाई दिया कि इनकी जो रूट हैं वो डीप रूटेड होती हैं, काफी तरह से फैल सकती हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वर टेरेस्ट्रियल, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं उनको आपने आज तक पानी के अंदर तो देखा नहीं होगा। ट्रीज जो होते हैं यूजुअली इनका जो हैबिटेट होता है वो धरती ही होता है, तो ये टेरेस्ट्रियल फीचर के थे, और इन सारे कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को ही कॉल्ड ट्रीज। तो इनके अकॉर्डिंग मतलब किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट कैटेगरी वॉज डन, कि इन्होंने प्लांट को डिवाइड कर दिया इनटू हर्ब श्रब एंड ट्रीज। अब ये चले गए एनिमल्स पे कि चलो प्लांट वाला मेरा काम खत्म हो गया, अब क्यों ना मैं जानवरों को भी क्लासिफाई कर डालूं, तो यहाँ पे सभी का क्लासिफिकेशन एक साथ ही हो जाएगा। तो इन्होंने स्टार्ट किया एनिमल्स को क्लासिफाई करना। व्हेन ही स्टार्टेड क्लासिफाइंग एनिमल्स, तो सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि पहले मैं ये तो देख लूं कि प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है। तो जब प्लांट और एनिमल में इन्होंने डिफरेंस देखा, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें जो मेजर डिफरेंस नजर आया दैट वॉज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड। ठीक है, दैट वॉज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड। ब्लड जो होता है आपको भी पता है कि प्लांट की बॉडी में तो ब्लड बहता नहीं है, ये केवल एनिमल्स के पास है। तो जब एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया तो व्हाट वी डिड कि चलो ब्लड को ही बेसिस ले लिया जाए। ओके, तो ही स्टार्टेड क्लासिफाइंग द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। अब जब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो ही सॉ कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। ओके, तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बेसिस पे अगर प्रेजेंट है आरबीसी तो इन्होंने उस कैटेगरी को नाम दिया इनाइमा। ओके, और अगर यहाँ पर आरबीसी ब्लड में एब्सेंट है तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया, उसको इन्होंने नाम दिया एनाइमा। ओके, नाउ फोकस ऑन दिस ई एंड फोकस ऑन दिस ए, ये आपको बायोलॉजी में बहुत काम आने वाले हैं टर्म्स के मीनिंग को समझने में। जब भी आप ई कहीं पर लगाएंगे तो दैट स्टैंड्स फॉर प्रेजेंस और ट्रू। जब भी आप कहीं पर ए वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी नॉट वर्ड, दैट इज अ लेटर, ए लेटर का अगर आप यूज कर रहे हैं बिफोर एनी वर्ड एज अ प्रीफिक्स, तो वो डिनोट करता है एब्सेंस या फिर शूडो कैरेक्टर। क्लियर, आप लोगों को ये ई और ए का मीनिंग क्लियर हुआ है? ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा भी कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ओके, व्हेन मैंने जब ये क्वेश्चन पुट अप किया था कि एरिस्टोटल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आई हैव रिसीव्ड आंसर फ्रॉम निकुंज। वेरी गुड निकुंज, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, उस टाइम पे हालांकि उस रिगार्ड में वो फेमस नहीं थे, ये बाद में उनको कैटेगरी मिला, ये टाइटल उनको मिला। तो अभी आप लोग मुझे सबसे पहले ये कन्वे करो कि ये जो प्रीफिक्स का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया ई एंड ए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेल मी येस और नो फास्ट सो दैट वी कैन प्रोसीड।
ओके चलिए तो फाइन, मैं क्लियर करती हूँ एक बार ये अरबाज के लिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। जब भी हम किसी वर्ड के प्रीफिक्स में, ठीक है, वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगता है, तो अगर वहां पर हम ई यूज कर रहे हैं अरबाज, फोकस करिए, तो ये जो ई होता है इसका सिग्निफिकेंस ये निकलता है या इसका मीनिंग ये निकलता है कि कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट है और वो कैरेक्टर ट्रू भी है, ठीक है। जब भी वहां पर ए यूज किया जाएगा तो दैट डिनोट्स सम ऑफ द कैरेक्टर इज एब्सेंट, जैसे यहाँ पर आरबीसी एब्सेंट पाया गया है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कैरेक्टर शूडो कैरेक्टर भी हो सकता है या फॉल्स कैरेक्टर भी हो सकता है। नाउ इज इट क्लियर टू यू अरबाज? अभी आपको क्लियर है कि कब हम ई का यूज करते हैं और कब हम ए का यूज करते हैं? फाइन, तो ये सबसे पहला इनिशिएटिव था फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स एंड दैट वाज मेड बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हम सीधे सीधे चले आते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे, और वो दिया था बायोलॉजी के मोस्ट फेवरेट साइंटिस्ट ने, जिसका नाम हर बच्चे को मालूम होता है, दैट इज कैरोलस लीनियस। इन्होंने बोला कि मैं ना इतना सोच नहीं सकता कि प्लांट में वुडी कौन है, कैसा दिखता है, मुझे ये सारी चीजों से मतलब नहीं, मैं उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भी क्यों देखूं। तो ही वाज लाइक, चलो बहुत जल्दी से अपना काम जो है उसको खत्म कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा मैं बस इतना देखूंगा पत्ती किसके पास है, स्टेम किसके पास है, रूट किसके पास है, और उसको मैं कह दूंगा कि ये प्लांट, ठीक है। देन फिर उनसे किसी ने पूछा होगा कि ठीक है आप एनिमल्स के लिए क्या करने वाले हो, तो एनिमल्स में इन्होंने कहा ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पत्ती नहीं है, जिसके पास स्टेम नहीं है, जिसके पास रूट्स नहीं है, उनको मैं प्लेस कर दूंगा एनिमल्स में। ओके, तो इन्होंने बोला लेट अस नॉट डू सो मच लोचा, हम सिर्फ दो कैटेगरी या दो ग्रुप्स बना लेते हैं, और वो जो दो ग्रुप है उसमें एक में रख देंगे पेड़ पौधों को जो कि प्लांटी बन जाएगा, दूसरे में हम रख देंगे सारे के सारे जानवरों को जो कि बन जाएगा एनिमल। ओके, और बाकी सब चीजें हमें नहीं सोचनी, हम ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते। ही वॉज लाइक दैट। तो जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो इन्होंने एग्जैक्टली यही काम किया कि लेट अस मेक टू ग्रुप्स, और इन दो ग्रुप में एक में रख दो आप फूल पत्ती वाले पेड़ पौधों को, दूसरे में आप रख दो जानवरों को जिनके पास फूल पत्ती ये सब नहीं होता। बट आप ही मुझे बताइए कि क्या ये सोच सही थी? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जितना लिबरली कैटेगराइज किया यहाँ पे लीनियस ने चीजों को, वॉज इट करेक्ट? नॉट एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, इनका जो सिस्टम था बहुत सारी यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हमें देखने को मिली, तो हम उन शॉर्ट कमिंग्स की बात कर लेते हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम और आप उस टाइम पर एरिस्टोटल या कैरोलस लीनियस के सामने होते, ठीक है। आपको भी पता है कि जब कोई भी क्लासिफिकेशन का सिस्टम या कोई बड़ा सा थ्योरी पब्लिश किया जाता है तो उसको पहले साइंटिफिक सोसाइटी के सामने हमें प्रूव करना होता है कि हमने ये सोचा और ऐसा ऐसा किया, ठीक है। तो आप अपने आप को सोसाइटी का मेंबर मान के देखिए कि आपके सामने लीनियस ने ये थ्योरी रख दी, उन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रख दिया कि मैंने ऐसा किया है प्लांटी के साथ और ऐसा किया एनिमेलिया के साथ, तो आपके दिमाग में सबसे पहली शॉर्टकमिंग क्या आएगी? मैं पहले आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी और फिर हम बाकी के शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर आप लोगों के सामने ये क्लासिफिकेशन रखा गया है तो व्हाट विल बी योर पॉइंट ऑफ व्यू? सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है इस टू किंगडम सिस्टम में? व्हाट इज द शॉर्टकमिंग दैट इज कमिंग टू योर माइंड? बताइए। अपने अपने तरीके से आप लोग सोचिए और इसका जवाब बताइए कि अगर टू किंगडम सिस्टम आपके सामने है, प्लांटी एनिमेलिया आपके सामने है, तीसरा कोई ग्रुप नहीं है, तीसरा कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ड्रॉबैक इस थ्योरी के लिए या इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए क्या होगा?
फाइन, आप लोग अपने अपने आंसर्स सोचिए कि क्या आपके दिमाग के अकॉर्डिंग शॉर्टकमिंग होनी चाहिए, तब तक हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो शॉर्टकमिंग आती है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको जिनके भले बुरे के बारे में सोचना है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी यहाँ पर क्या जगह है, ठीक है, उनकी यहाँ पर क्या जगह होगी। आई हैव रिसीव्ड आंसर फॉर माई क्वेश्चन, इट डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। वेरी गुड तेजस, बिल्कुल सही बात है, ये बात इन्होंने ध्यान में नहीं रखी, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया, ओके, कुछ भी नहीं सोचा गया। अब जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे ना बच्चों, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये सारी बातें आएंगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब भी आप देखते हो तो यू वेरी वेल नो कि यहाँ पे सबसे पहली जो बात आती है वो आ जाती है यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर होने की। ओके, आपको सबसे पहले ये बात नोटिस करनी होती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यूजुअली यूनिसेल्यूलर होते हैं। व्हाट अबाउट देम? और जो भी ऑर्गेनिज्म को प्लांटी एनिमेलिया में रखा गया, उनके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या? ये पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, जैसा कि हमको तेजस ने भी अभी बताया, कि जब हम यूनिसेल्युलैरिटी और मल्टी सेल्युलैरिटी का कंसेप्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कम टू आवर माइंड इज व्हाट अबाउट यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक नेचर। तो यहाँ पे अगला ये हो गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया और ये भी एक क्वेश्चन मार्क था ही, ठीक है। तीसरा जो दिमाग में आ गई बातें वो ये आ गई कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होना चाहिए, क्या ये खुद अपना खाना बनाएंगे या किसी दूसरे के बनाए हुए खाने को कंज्यूम करेंगे। ये सब चीजें हमें एरिस्टोटल की थ्योरी से और यहाँ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से क्लियर नहीं हो पा रही। तो दीज वर ऑल द शॉर्टकमिंग्स, सारी शॉर्टकमिंग्स थी जो कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिली कि इन सारी बातों का क्या। इसके अलावा लीनियस का एक बहुत ही आसान सा लॉजिक था, ये क्या करते थे कि जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म इनको देखने के लिए मिलता था, जब भी ये उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते थे, तो व्हाट वी डिड वाज कि अगर उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें समझ में नहीं आई, तो ये सीधा सीधा उस ऑर्गेनिज्म को उठा के कहाँ पर प्लेस कर देते थे, प्लांटी में। तो आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि जब लीनियस की क्लासिफिकेशन आई तो प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया भी था, ठीक है, प्लांटी के अंदर साइनोबैक्टीरिया भी था, जिसको आप कॉमनली जानते हो बाय द नेम ऑफ BGA। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि कुछ प्रोटिस्ट भी थे जो इसके अंदर थे, ठीक है, सम ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स वर आल्सो अंडर प्लांटी, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई ऐसा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि बैक्टीरिया प्लांटी में चला गया, साइनोबैक्टीरिया प्लांटी में चला गया, जबकि आपने तो कभी नहीं देखा कि बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर फूल पत्ते रहते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। Then why bacteria has been placed under plantae? तो जैसे जैसे लोगों ने इस सिस्टम को पढ़ना शुरू किया, इस सिस्टम को जानना शुरू किया, तो उनको ये सारी बातें पता लगने लगी कि यहाँ पर तो बहुत सारी गलतियां हैं। ओके, तो दिस वॉज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया था किसने, लीनियस ने। फिर लीनियस के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस सिस्टम के अंदर याद रखने हैं, जैसे कि यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में थे, क्लमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल लिया जा रहा है,
और इनको प्लेस किया गया था एलगी के अंदर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स जो थे सेल वॉल के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया, ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया कि इनका न्यूक्लियस किस तरह का है। ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों बहुत अलग बातें होती हैं, लेकिन ये सब भी एक ही कैटेगरी के अंदर थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कोई डिफरेंस नहीं था बिटवीन हेटरोट्रॉफिक फंजाय एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, मतलब फंगस जो था दैट वॉज ऑल्सो अंडर प्लांटिंग, ओके। तो ये सारी बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि लीनियस की थ्योरी पे गलत थी। उसके बाद लीनियस के जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के लिए अगला जो एडवांस्ड सिस्टम आया दैट वाज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो जो सिस्टम था वो कौन सा सिस्टम था, दैट वाज फाइव किंगडम सिस्टम। तो फाइव किंगडम सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो व्हाट वी विल कम टू नो कि यहाँ पे आर एच विटेकर ने बहुत सारी बातों को बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले जब आप चीजों को कैटेगराइज करते हैं तो आपके दिमाग में पहली चीज होती है रीजन, रीजन होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। जैसे अगर एक क्लासरूम में मैं हूँ और वहां पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनको मैं ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहती हूँ तो आई शुड हैव अ बेसिस, कौन से बेसिस पे उनको मैं डिवाइड करूँ, उनके परसेंटेज के बेसिस पे करूँ, ठीक है, उनकी हाइट के बेसिस पे करूँ, उनके जेंडर के बेसिस पे करूँ, आई शुड हैव अ रीजन, आई शुड हैव अ बेसिस। तो वही जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो यहाँ पर आर एच विटेकर सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात पे क्लियर थे कि मैं हर उस प्रोस्पेक्ट को देखूंगा जो लीनियस ने इग्नोर कर दिया था और उनकी थ्योरी में शॉर्टकमिंग्स आ गई थी उसकी वजह से। तो आई एम गोइंग टू हैव अ लुक एट एवरीथिंग, चाहे वो उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो, चाहे वो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो, आई एम गोइंग टू लुक एट एवरीथिंग। मैं हर एक कैरेक्टर के डेप्थ में जाऊंगा, मैं सारे ऑर्गेनिजम्स को एनाटॉमिकल फीचर्स तक जज करूंगा और उसके बाद ही हम उसको किसी कैटेगरी में प्लेस करेंगे। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ओके। तो यहाँ पे लेट मी नो व्हाट डू यू ऑल मीन बाय थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर तो आप समझ गए, व्हाट डू यू मीन बाय थैलस। थैलस फास्ट, ओके, मैं आपको बताती हूं थैलस का मतलब होता है, I have got answers. Body, plant body, ठीक है। लेकिन thallus का एक specific meaning होता है बच्चों। What is that definition for thallus? Thallus का exact definition क्या है? Plant body होता है, very true. तेजस ने ये answer दिया है that thallus is a plant body. लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी चीजें हमें add करनी है तो उन बातों को add कर लेते हैं। थैलस का मतलब ये होता है अ प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू true root, stem and leaves. अब आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे thallus का exact meaning क्या है। It is a type of plant body which is not differentiated into true root, true stem and true leaves. कुछ भी true नहीं है, okay। तो अगर इस तरह का आपको कोई भी plant body दिखता है तो that will be categorized as thallus. तो इन्होंने थैलस की ऑर्गेनाइजेशन भी देखी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखा कि इनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके साथ इनका कैरेक्टर मैच करता है। ऑल दोज वर द थिंग्स दैट
RH Whittaker kept in his mind. ठीक है, तो इनका जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था आप देख सकते हो कि इट इज क्वाइट स्पेसिफिक है, बिल्कुल लिबरल इन्होंने चीजों को नहीं छोड़ा, इन्होंने सारी चीजों को जज किया. तो जब इन्होंने ये सारी चीजों को जज करना स्टार्ट किया तो ही फाउंड आउट कि यहाँ पे तो दो किंगडम नहीं बल्कि पांच किंगडम होने चाहिए, और ये जो पांच किंगडम है उसमें से एक किंगडम होगा दैट विल बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड. ठीक है, दैट विल बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स. बताइए ये कौन सा किंगडम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स केवल यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोट्स होंगे. विच किंगडम इज दिस वन? ये हमने किसकी बात की है? फास्ट आई नीड एन आंसर. किंगडम का नाम क्या है? यस तेजस, वी आर कमिंग टू दैट वन, वी आर कमिंग टू दैट ओनली. ठीक है, उसी पे आ रहे हैं. अभी मुझे ये बताइए कि विच वॉज द किंगडम दैट कंटेन्ड ओनली द ऑर्गेनिजम्स विथ यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. चलिए, ये जो किंगडम है ये बात कर रहे हैं हम किसकी? मोनेरा की. ओके, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम मोनेरा. तो लिख लेते हैं यहां पर कि हम क्या बात कर रहे हैं. दिस वॉज अबाउट किंगडम मोनेरा. इसके अलावा जब हम दूसरे किंगडम पे जाएंगे तो वो बन गया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो वहां थे ही. ठीक है, यूनिसेल्यूलर के अलावा उनका जो नेचर बना वो यूकैरियोटिक नेचर बना. तो जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात होगी तो हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की. नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा, आरएच विटेकर इन दोनों को अपनी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते उसके पहले ही दो अलग ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन दोनों किंगडम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था. ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन है मोनेरा का, ये जो इंट्रोडक्शन है प्रोटिस्टा का, ये ऑलरेडी हो चुका था. और ये दोनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बाकी सारे किंगडम्स पे कोई काम नहीं किया था, इन्होंने एक एक किंगडम पे ही फोकस किया था, उनके कैरेक्टर पे फोकस किया था. तो मोनेरा जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट वॉज डन बाय कोपलैंड. ओके, ये किसने किया? कोपलैंड ने किया. प्रोटिस्टा अगर आप देखेंगे तो दैट वॉज डन बाय हैकल. और ये इन्होंने आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन आने से पहले कर दिया था. ओके, लेकिन द ओनली थिंग टू बी नोटेड हियर इज कि कोपलैंड ने मोनेरन्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ज्यादा स्टडीज प्रोसीड नहीं की, और जो हैकल थे इन्होंने भी यही चीज की. इन्होंने भी अपना जो फोकस है वो इन्होंने रखा था यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स पे जो कि प्रोटिस्टेंट्स होते हैं. तो ये दोनों का इंट्रोडक्शन का अगर क्रेडिट आपको देना है तो दैट इज गिवन टू कोपलैंड एंड हैकल. और जब आरएच विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोपलैंड और हैकल के ये दोनों ग्रुप्स इंक्लूड कर लिए, दोनों किंगडम. इसके अलावा इन्होंने इंक्लूड कर लिया कौन सा? इन्होंने इंक्लूड कर लिया प्लांटी, और इन्होंने इंक्लूड कर लिया एनिमेलिया. ओके, इन्होंने इंक्लूड कर लिया एनिमेलिया, और ये चारों को एक साथ मिलाकर फोर किंगडम सिस्टम डिजाइन हुआ. देन इन्होंने ही यहां पर इंट्रोड्यूस किया फंजाई को. ओके, जब फंगस का इंट्रोडक्शन एज अ किंगडम हो रहा था तब बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे फंगस को लेके कि फंगस को कहाँ रखा जाए. क्योंकि अगर आप फंगस का कैरेक्टर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंगस के अंदर यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर दोनों तरह के फीचर पाए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल बॉडीज होती हैं. दूसरा, फंगस के पास काइटिनस सेल वॉल था और
लीनियस के अकॉर्डिंग सेल वॉल जो होता है, या विटेकर के अकॉर्डिंग भी सेल वॉल होने का जो फीचर है ये प्लांट का होता है. फिर इन्होंने देखा, लेट अस सी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाके कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं था. ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर फंगस? ये हम सबको पता है कि जो फंगस है दैट इज हेटरोट्रॉफिक. लेकिन हेटरोट्रॉफिज्म के अंदर व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म जो कि फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ठीक है, वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज, यस वेरी गुड तेजस, ये होते हैं सेप्रोट्रॉप्स. दीज आर सेप्रोट्रॉप्स, या फिर आप बोल सकते हो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फंगस यूज टू ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े हुए. ठीक है, कुछ फंगस पैरासाइट्स भी होते हैं. तो अगर आप पैरासिटिज्म देखेंगे, अगर आप सेप्रोट्रॉफिज्म देखेंगे, तो ऑल दैट लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो अब ये जो फंगस है ना, देखिए ये एक्चुअली बीच में खड़ा हो गया कि प्लांट में जाना है कि एनिमल में जाना है. सेल वॉल है तो प्लांट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है तो एनिमल. तो यहाँ पे फंगस को अलग ही कर दिया गया कि लेट अस गो अलग से. ठीक है, क्योंकि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम इस चीज को जज कर सकते हैं कि इनका सेल वॉल भी क्या प्लांट्स की तरह सेल्यूलोस का है. तो उसका आंसर था नहीं, इनका सेल वॉल काइटिन का है. तो ऐसा माना गया कि इनको अलग कैटेगरी में प्लेस करना ही बेटर है. तो फंगस को वहां से अलग किया गया. ठीक है, ये सारी बातें करने के बाद आर एच विटेकर फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारे पास जो किंगडम्स होंगे वो दो नहीं होंगे, चार नहीं होंगे, वो बल्कि कितने होंगे? ओवरऑल 5. तो एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो कि ये 5 किंगडम सिस्टम वहां पर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ हैंड. वहां से आप इनके कैरेक्टर को भी याद कर सकते हो, जज कर सकते हो. ओके, आफ्टर दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक और सिस्टम आया था जो कि एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, उसकी बात कर लेते हैं. आप लोगों में से कुछ लोगों ने हो सकता है उसको सुना भी हो, पढ़ा भी हो. That is called as three domain system. ठीक है, उसको हम कहते हैं three domain system of classification. ठीक है, जानते हैं आप लोग three domain system of classification के बारे में? Yes or no? थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि ये किसने पुट फॉरवर्ड किया था. तो दिस सिस्टम वॉज पुट फॉरवर्ड बाय कार्ल बोस. ओके, इन्होंने दिया था. और इन्होंने जब ये थ्री डोमेन सिस्टम दिया तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये अपनी सोच में विटेकर से भी थोड़ा आगे पहुंच गए. ठीक है, ये अपनी सोच में विटेकर से भी थोड़ा आगे पहुंच गए. तो पहले तो हम ये देख लें कि भाई ये तीन डोमेन थे क्या क्या. ओके, तो यहाँ पे थ्री डोमेन्स का नाम कुछ ऐसा था, डोमेन्स. और इसमें आपका जो पहला डोमेन था दैट वॉज आर्की, सेकेंड डोमेन वॉज यूबैक्टीरिया. ठीक है, एंड थर्ड डोमेन वॉज यूकैरिया. ओके, थर्ड डोमेन वॉज यूकैरिया. अब एक बात आप लोग याद रखो कि जब आप यहां पे आर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो आप इन दोनों को मिलाकर प्रोकैरिया भी बोल सकते हो. ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोकैरिया. तो ये तीन डोमेन्स इन्होंने बनाए. अब देखो आर्की बैक्टीरिया समझने में तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडेड थे,
या आर्की बैक्टीरिया इंक्लूडेड थे, जिसमें आपके पास तीन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, देन वी हैव हैलोफिल्स एंड वी हैव मिथेनोजेंस। ये सब के सब यहाँ पर इंक्लूड हो गए कहाँ? आर्की के कैटेगरी में, ठीक है। तो जब आर्की की कैटेगरी इन्होंने देखी कि इसमें क्या क्या हम रखेंगे, तो वहां पे सिर्फ इन्होंने रखा प्रिमिटिव बैक्टीरिया को। फिर ये चले गए एडवांस्ड बैक्टीरिया पे, तो यहाँ पे यू बैक्टीरिया की बात होने लगी। जब यू बैक्टीरिया की बात होने लगी तो यहाँ पर सारे के सारे एडवांस्ड बैक्टीरिया आ गए, ठीक है। सारे के सारे एडवांस्ड बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया गया, इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया, वो भी इधर ही है, फाइन। और जब यूकेरिया देखा तो यहाँ तो बहुत कुछ आ गया, ठीक है। आप देखिए कि एक्चुअली जब इन चीजों की बात हुई तो ये तो हम केवल मोनेरन्स की ही बात की है। मोनेरा के अलावा जो भी आपके किंगडम बच गए, क्या क्या बच गया आपके पास? आपके पास किंगडम फंजाई बच गया है, प्रोटिस्टा बच गया है, इसके अलावा प्लांटी, एनिमेलिया, जहां जहां पर भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सबको इन्होंने प्लेस कर दिया यूकेरिया में। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पे किंगडम बड़ा है या डोमेन, तो उसमें आपको जवाब ये मिलेगा कि भाई डोमेन इज अ मच मोर ब्रॉडर टर्म, इज अ मच मोर बिगर टर्म एज कंपेयर टू किंगडम, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक डोमेन में आपके पास चार चार किंगडम इंक्लूडेड है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सिर्फ एक डोमेन के अंदर जो कि आपका है यूकेरिया, उसी के अंदर चार चार किंगडम इंक्लूडेड है। तो अब आप देख लीजिए कि किंगडम बड़ा है या डोमेन, फाइन। तो यहाँ पे थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आया, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट यू मस्ट नो। अब यहाँ पे जो एक बात मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे जो थ्री डोमेन भी बनाया गया, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ अ कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर था आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए के बेसिस पे डिवाइड किया गया। जब प्रोकैरियोट्स को देखा जाएगा तो इनके पास प्रेजेंट होता है 16S आरआरएनए, और जब यूकेरिया में देखा गया तो दैट वाज 18S आरआरएनए। ये दो तरह के आरएनएस के बेसिस पे ये पूरा डोमेन क्लासिफिकेशन बना। तो इज दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन, ठीक है अरबाज, आप एक बार क्विकली सुन लीजिए कि यहाँ पे थ्री डोमेन सिस्टम में क्या हुआ। थ्री डोमेन सिस्टम जो था दैट वाज गिवन बाय कार्ल वूस। इन्होंने तीन डोमेन्स कौन कौन से बनाए? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया, फाइन। ये तीन डोमेन्स इन्होंने क्रिएट किए। जब ये तीन डोमेन्स क्रिएट हो गए तो आर्की में केवल प्रिमिटिव बैक्टीरिया को रखा गया, दैट वॉज थर्मो एसिडोफिल, हैलोफिल या मिथेनोजन। यू बैक्टीरिया में एडवांस्ड बैक्टीरिया को रखा गया, और यू कैरिया में प्लेस किया गया बाकी बचे हुए सारे किंगडम्स को। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किंगडम एक ब्रॉडर टर्म है या फिर डोमेन। तो उसके लिए आपके पास आंसर होगा दैट डोमेन विल बी अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। उसके लिए आपके पास आंसर होगा डोमेन विल बी अ मच ब्रॉडर टर्म, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो यूकेरिया है, वन सिंगल डोमेन इज कंप्राइजिंग ऑफ फोर किंगडम्स। एक डोमेन के अंदर चार किंगडम है, तो हमें पता चल गया कि डोमेन इज अ मच ब्रॉडर टर्म, बड़ा टर्म है, ओके। तो जब ये काम हो गया कि हमें किंगडम डोमेन का कंपैरिजन मालूम चल गया, तो अब सोचा गया कि चलो ये देख लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम कौन से बेसिस पे किया गया है। तो दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, दैट इज राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड आरआरएनए,
ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे आर आर एन ए जो है वो 16s नेचर का है व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोकैरियम, 18s नेचर का है व्हेन वी टॉक ऑफ यूकैरियम। अब ये जो आर आर एन ए है, आप पूछेंगे कि मैम ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका कनेक्शन होता है राइबोसोम्स के साथ। जब आप सेल का चैप्टर पढ़ेंगे, आप राइबोसोम का डिटेल पढ़ेंगे, then you will come to know that rRNA is involved in the composition of ribosome, okay? और हम सब ये बातें बहुत अच्छे से जानते हैं कि prokaryotic cell हो या eukaryotic cell हो, ribosome सभी के पास होता है, okay? तो ये जो ribosome है, it is connected with RNA और RNA के हिसाब से तीन अलग domain बनाएगा, fine? देखिए, अब आप कोई भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लो बच्चों, बट द थिंग इज कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इन चीजों की कि कौन सा सिस्टम ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, तो उसका आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि यहाँ पे जो भी सिस्टम हमने अभी तक देखे उसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड या जिसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, that is R.H. Whittaker का five kingdom classification. तो that is the most accepted one. Clear? तो अभी ये सारे systems clear हो गए हैं आप सभी को? Let me know. Fine. तो if we are done with this system of classification, then we can move on with the application of questions. ये जो concept अभी तक आपने सीखा, इसको हम apply करना सीखेंगे। तो जब ये एप्लीकेशन आपको सिखाया जाएगा, उसके भी पहले आपको एक कंपैरिजन जानना है, ओके? तो लेट अस हैव अ कंपैरिजन। वो जो कंपैरिजन होगा वो पांच किंगडम के बीच में होगा, तो दिस कंपैरिजन इज क्वाइट इजी, और इसको अगर आप एक बार में पूरा इसका व्यू ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से पर्टिकुलर किंगडम का क्या स्पेशल फीचर है या उसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अदर किंगडम्स, ठीक है? नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट फीचर। अगर आप देखेंगे तो आपको सेल टाइप पता चलेगा। मैंने आपको पांचों किंगडम इंट्रोड्यूस करते समय भी ये बताया कि मोनेरा में केवल प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होते हैं, फंगस में यूकैरियोट्स हैं, तो आप एक तरह से याद कर लिए कि हाँ, मोनेरा को छोड़कर कहीं पर भी हम चले जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स ही होंगे, फाइन। देन लेट अस हैव अ लुक एट द सेल वॉल। तो सेल वॉल हमें पता चला कि हाँ, मोनेरा के पास भी है, प्रोटिस्टा के पास भी है, कुछ कुछ प्रोटिस्टेंट्स के पास, फंगस के पास भी होता है, प्लांटी में भी होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि किसका सेल वॉल कौन से सब्सटेंस का होता है। तो आपका डिफरेंस यहाँ आएगा, मोनेरा का जो सेल वॉल है पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड का हो सकता है, यहाँ पे फंगस का काइटिन का होता है और प्लांटी का सेल्यूलोज का होता है, दैट मार्क्स द डिफरेंस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ एब्सेंट होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सभी जगह ये प्रेजेंट है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स जिनके हिसाब से आप पूरे के पूरे पांचों किंगडम को कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें कौन सा डिफरेंशिएटिंग फीचर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें यहाँ सॉल्व करने हैं। नाउ बी रेडी फॉर अप्लाइंग द कंसेप्ट जो हमने आज की क्लास में सीखा। द फर्स्ट थिंग इज एरिस्टोटल क्लासिफिकेशंस आर मेनली बेस्ड ऑन, बताइए एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन किस चीज पर बेस्ड था? क्या वो फिजियोलॉजिकल फीचर्स थे, सेकेंडरी कैरेक्टर थे, क्या क्या था वहां पे? Yes, very good, Tejas. एक आंसर आया है मेरे पास मॉर्फोलॉजिकल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो मॉर्फोलॉजिकल, क्योंकि एरिस्टोटल ने केवल मॉर्फोलॉजी देखा था, पत्ती है या नहीं, स्टेम है या नहीं, दीज ऑल वर द थिंग्स। नेक्स्ट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने प्रपोज किया था? मुझे पता है कि इसका आंसर सभी लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि इसका आंसर कौन होंगे, लीनियस होंगे, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए, लीनियस ने और कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी है बायोलॉजी में? लीनियस ने और कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी है बायो के अंदर?
इसके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया था, दैट वॉज द लिविंग वर्ल्ड. फर्स्ट, वेरी गुड, दैट वॉज बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. ओके, ये आया था बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में, इनका नाम आया था. अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा आर प्लेस्ड अंडर. क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था बताइए, अंडर विच कैटेगरी क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड. हाँ तेजस, ये प्लांटी में तो थे ही, लेकिन जब मैं आपको ड्रॉबैक्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये रखा गया था एल्गी में. ओके, जब आपको शॉर्टकमिंग्स लिखाए गए हैं इसी टॉपिक के अंदर, तो उसमें ये मेंशन किया है हमने कि एल्गी तो पूरा का पूरा प्लांट में ही था ना, वहां पे ये दोनों थे, एल्गी में ही थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर एक साथ आ गए. नेक्स्ट थिंग, आर एच विटेकर ने कौन सा सिस्टम प्रपोज किया था, यस दैट वाज फाइव किंगडम सिस्टम. अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग यहाँ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए आर एच विटेकर पहुंचने से पहले ना, मैं आपको अभी ये बात थोड़ी सी बता देती हूँ. आर एच विटेकर सिस्टम पहुंचने के पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंगलर एंड प्रांटल. आपने इन लोगों का नाम सुना है, एंगलर एंड प्रांटल, दोस टू वर द साइंटिस्ट. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन शुरू किया था, ठीक है. लेकिन क्योंकि इन्होंने बाकी सारे फीचर्स को बेसिस नहीं माना तो इनका भी सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं है. लेकिन हाँ, क्योंकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम था तो कुछ हद तक सही भी था. इन्होंने प्लांट के पूरा डेप्थ में उनको क्लासिफाई कर दिया था, ये पूरा चले गए थे मोनोकॉट एंड डाइकॉट तक. ओके, तो वो जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंगलर एंड प्रांटल. आप केवल एज अ नॉलेज पर्पस आप इस चीज को याद कर लो, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स वर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. ओके, और ये जो ग्रुप्स थे ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड के अकॉर्डिंग थे, ये किसने बोला था, हु वॉज द वन हु डिड इट. यस, ये जो थे ये एरिस्टोटल थे. ओके, ये कौन थे, एरिस्टोटल. इसके अलावा यहां पर टू किंगडम सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है वो आपको बताना है. टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. आंसर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. थ्री, चलिए चेक करते हैं, थ्री कैसे हो सकता है. देखिए टू किंगडम के हिसाब से प्लांटी और एनिमेलिया दो ही तो चीजें डिफ्रेंशिएट हुई थी. ओके, दो चीजें डिफ्रेंशिएट हुई थी और यहां लिखा है कि उसमें भी डिफरेंस नहीं था, तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट हुआ जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली कैरेक्टर दैट डिफाइन द होल प्लांट किंगडम into two kingdom classification is, कौन सा था ये बताइए. Yes, third answer I have got. Check कर लेते हैं. Exactly, answer was presence of cell wall. Autotrophs are not found in. Autotroph कहाँ पर नहीं मिलते हैं, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में या फंगस में, कहां ऑटोट्रॉप्स नहीं मिलेंगे. गुड, आंसर विल बी फंगस. वेरी गुड गायत्री एंड तेजस. नेक्स्ट क्वेश्चन,
फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम बाय, फंजाई को सेपरेट किंगडम में किसने प्लेस किया था? द आंसर इज विटेकर. मैंने आपको अभी समझाया मोनेरा में कोपलैंड थे, ओके. प्रोटिस्टा को हैकल ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो फंगस था दैट वॉज विटेकर ओनली, विटेकर ने ही उसको इंक्लूड किया था. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर. कल की क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट किंगडम मोनेरा. हम मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेकर उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तक सारी बातों को कल सीखने वाले हैं, उसका एक क्विक एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं. तो कल का जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा.